हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं और उनके बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कभी फॉर्म होते हैं जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। दो पैरेलल लाइंस कभी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म नहीं करेंगे। ओके, एंड दिस टू लाइंस आर कोप्लेनर। ओके, हाउ टू रिकॉग्नाइज कि एक सपोज एओडी वर्टिकली एओडी एंगल है तो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, ये कैसे रिकॉग्नाइज करने का। तो यहां पे क्या है, दो लाइन्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ओके, तो एक लाइन का एक पार्ट मैंने ले लिया और दूसरे लाइन का दूसरा पार्ट ले लिया, तो ये मेरा फर्स्ट एंगल बन गया। अभी इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे ढूंढने का कि वही लाइन का दूसरा रिमेनिंग पार्ट और वही दूसरी लाइन का भी रिमेनिंग पार्ट, ये दोनों इकट्ठा करके जो एंगल बन जाएगा, मतलब ऐसा एंगल जिसका एक आर्म है फर्स्ट लाइन का रिमेनिंग पार्ट और दूसरा आर्म है दूसरी लाइन का रिमेनिंग पार्ट। सो वी विल गेट टू वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर अ गिवन एंगल। ओके, एंड देन इन दैट केस वी विल गेट टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अभी इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ये हमेशा इक्वल मेजर के रहेंगे। तो कैसे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज ये एंगल हमको लग रहा है 40 डिग्रीज, अज्यूम इट टू बी 40 डिग्रीज, तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, मतलब यहां पे हमने प्रोट्रैक्टर रखा या फिर जिसको आप डी बोलते हो वो रखा, तो यहां से 0, 10, 20, 30, 40 हो जाएगा और आगे यहां पर आएंगे तो 180 हो जाएगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों की मेजरमेंट की एडिशन मतलब सम कितना हो जाएगा 180। तो ये एंगल का मेजरमेंट क्या रहेगा, 180 माइनस 40, 180 डिग्रीज माइनस 40 डिग्रीज विच इज 140 डिग्रीज। ओके, एग्रीड, दिस इज 140 डिग्रीज। नाउ यहां पे भी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और भी, और यहां पे भी एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं, तो मतलब और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कभी बनते हैं, कोई भी स्ट्रेट लाइन रहेगी और उसके ऊपर कोई रे स्टैंड हो रहा है तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनेगा, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल बनेगी। तो ये लाइन थी, यहां पे एक रे स्टैंड हो रहा था, इसके लिए दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन गए जिनकी टोटल 180 डिग्रीज है। वैसे ही यहां पे भी एक लाइन है सीधी और यहां पे भी एक रे उसके ऊपर स्टैंड हो रहा है तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनेंगे। तो इसका मेजर क्या रहेगा, अगेन सेम डी, 0 to 140, 140 to 180, That is again 40 degrees। इसका मतलब क्या हो गया, ये 40 degrees है तो ये भी 40 degrees रहेगा, और इसके लिए हम समझ रहे हैं कि ये वर्टिकली अपोजिट जो एंगल्स है वो हमेशा इक्वल रहते हैं। अभी यही लाइन आप यहां पे एक्सटेंड करके सेम कैलकुलेशन कर सकते हैं, 180 degrees में से 40 degrees गए तो ये भी हो गया 140 degrees, मतलब ये 140 है तो ये भी 140 है, ये 40 है तो ये भी 40 है, ये 40 है तो ये भी 40 है, ये हमेशा ट्रू रहेगा। तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इन मेजर। ओके, थैंक यू।